हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और टुडे वी हैव निकॉन का D53 है, यानी D5300 कैमरा आप बोल सकते हैं। सो गाइस, यहां पे देखिए, यहां पे अपने को फोल्डेबल स्क्रीन आती है, ये फोल्ड हो जाती है, ऐसे भी हो जाएगी ऐसे। बट इसमें एक कमी है कि D5600 में जैसे कि ऑन करते हैं इसको, इसमें D5600 की कंपैरिजन में इसमें स्क्रीन टच नहीं, सिर्फ स्लिप स्क्रीन है, यानी ओनली ये फोल्डेबल बस है। फिर आपको आगे इसका कंसोल दिखाते हैं। इसका स्टार्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले भी स्टार्टिंग की बात आ गई, तो कैमरा स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे ऑन ऑफ बटन दिया गया है, और यहाँ पे लाइव शॉट हो जाते हैं, यानी इसमें रिकॉर्डिंग होती है। इसमें लाइव शॉट के लिए दिखाते हैं आपको विथ प्रूफ, यहाँ पे लाइव शॉट इससे होता है, और इसमें कुछ इस टाइप का स्क्रीन दिखेगा। और यहाँ पे ये है आई वाला सिस्टम, इसमें दिखाते हैं आई भी आपको। हाँ, ये देखिए, इसमें आई चालू हो चुका है, और यहाँ पे लाइव शॉट कर देंगे तो हट जाएगा, और यहाँ पे लाइव शॉट है, और यहाँ पे इसमें बटन्स दिए गए हैं, इससे आपको फ़ोटो देखने को मिलेगा। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस आ रहा हो तो सॉरी, डिस्टर्ब हो गए तो यहाँ पे थोड़ी। और यहाँ से अपने को गाइस बटन मिलेगी, तो जूम अनजूम के लिए, जूम अनजूम इससे होगा, और यहाँ से डिलीट भी हो सकती है। यहाँ पे मेन्यू का बटन दिया गया है इसमें, और यहाँ पे आई बटन, यानी आई बटन से आपको, अच्छा इसमें नहीं है, यहाँ से इसमें आई बटन से सीधे डायरेक्ट आप इंटर कर सकते हैं, ये वाला इंटरफेस पूरा इंटर हो सकता है। और यहाँ पे दो बटन, यहाँ पे अब इसके सेटिंग्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे बंद हो रहा है, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शटर स्पीड, तो इसका शटर स्पीड एक बार आपको दिखाते हैं। अपनी सेटिंग ज़्यादातर 160 या 250 30 इतने में अपनी फ़ोटो खींचती है, बट अब शटर स्पीड की बात करते हैं, तो इसका मैक्सिमम शटर स्पीड है 4000। फिर इसके बाद बात करते हैं ये अपर्चर है, अपर्चर मीन्स ब्लर कितना होता है, 4 पॉइंट सबसे कम है ब्लर। फिर इसका मैक्सिमम ब्लर अपर्चर कितना में है, 22 f/22 है। और इसके बाद इसको कम ही करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज इसमें कम रखेंगे तो बढ़िया वीडियो, यानी पोर्ट्रेट, यानी ब्लर, ये मेन थिंग ब्लर के लिए होता है। इस बढ़ते हैं मेन थिंग ISO, ISO सबसे मेन थिंग इम्पॉर्टेंट है। ISO दो टाइप से कर सकते हैं, यहाँ पे एक FN बटन दी गई है, FN को दबा के, और यहाँ पे ये वाली बटन दबा के, आपको दिख नहीं रही है, कैमरा एडजस्ट हो गया, तो आपको मैं दिखा देता हूँ। FN इसका है, यानी FN दबा के इसमें ISO मैक्सिमम इसका ISO है 12800, फिर इसके बाद हाई 0.7, हाई 1 ये है। बट इसमें इतना हाई करने की ज़रूरत कब पड़ती, जब रात को बिना फ्लैश के जब आप फ़ोटो खींचते, तब कुछ फ़ोटोग्राफ्स मैं आपको अटैच कर सकता हूँ, कर दूँगा। फिर इसके बाद अब गाइस इसके बढ़ते हैं, अब फ़ोटो की क्वालिटी कैसे, यहाँ पे आई बटन से सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मेन सेटिंग बता देते हैं। इसमें रॉ दिया गया है, रॉ एफ रॉ एन, सबसे 46 MB की फ़ोटो आ सकती है, बट ये फिर सिंपल मोबाइल्स में खुलती नहीं है, या कि लैपटॉप्स में ही खुलती है, तो मैं प्रेफर हमेशा करता हूँ या कि फाइन में ज़्यादा MB बढ़ जाती, क्वालिटी उतनी रहती है, नॉर्मल में मैं करता हूँ, इसमें 7-8 MB की फ़ोटो आती है। और फिर इसके बाद ये है मेगापिक्सल, जैसे इसमें 24 MP, फिर इसके बाद 13 MP आ जाता है, आई थिंक मैं इसमें दिखाता हूँ, मेरे को याद नहीं है, लेकिन इसमें 2 MB की 4 MB की फ़ोटो, तो यहाँ पे हमेशा लॉन्ग करना चाहिए इसमें, बिकॉज सबसे फुल मैक्सिमम क्वालिटी देता है अपना। यहाँ पे BKT हो गया, या इसे फालतू फीचर है, 3 फ़ोटो खींचती है अपना। फिर उसके बाद HDR है, वाइट बैलेंस है, और ये ISO दिखा चुका है, यहाँ पे एक्सपोजर का है, ज़्यादा धूप रहती है तो फ़ोटो खींच सकते हैं। तो यहाँ पे अब बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड मोड है, स्टैंडर्ड नेचुरल विविड में आपको कोई फ़ोटो, सिंपल में आपको फोटोग्राफ्स भी दिखाऊंगा। इससे फोकस मोड है, इसमें सिंगल सर्व कंटिन्यूस ये वो फलान ढिकाना सब एक इसमें करना चाहिए। ये रिव्यू भी है गाइस, और मैं अपना ओपिनियन है कि मैं कैसा यूज करता हूँ सेटिंग्स, ये बता रहा हूँ। यहाँ पे सिंगल हमेशा, और यहाँ पे मीटरिंग मोड में भी हमेशा बीच में रखता हूँ। फिर इसके बाद अब बढ़ते हैं गाइस इसके मेन्यू में मैं सबसे पहले देखता हूँ, ये देखिए मेन्यू में देखना चाहिए,
यहाँ पे सेटिंग में ये पाना का वो है, सबसे मेन थिंग है ये मॉनिटर डिस्प्ले आपको देखना है कि मॉनिटर डिस्प्ले यानी ये स्क्रीन तो ब्राइटनेस हो जाएगी लेकिन फोटो अगर काली आएगी तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा दिखेगी। अगर फ़ोन में जब आप देखेंगे तो फिर आपका पोपट हो सकता है, इसलिए हमेशा जीरो में करके रखना चाहिए। और यही बस एक सेटिंग में देखता हूँ बस इसमें। और अब इमेज क्वालिटी इसमें भी दिखाता है, ISO ये देखना है आपको, ISO सेंसिविटी ये ऑटो में नहीं रखना है। ऑटो में क्या रहता है कि ऑटो में जैसे कैमरा मैनुअल नहीं, ISO एडजस्ट मैनुअल नहीं करेगा, ऑटो में करेगा तो अपने हिसाब से फ़ोटो नहीं आएगी। तो इसको हम ऑफ करेंगे हमेशा यहाँ पे। फिर इसमें दिखाना है आपको क्या दिखाना, तो ये सेटिंग है गाइस मूवी सेटिंग। मूवी सेटिंग में ये वीडियो क्वालिटी, इसमें देखे वीडियो की क्वालिटी क्या है, सबसे लो इसमें 1080p 50 यानी 60fps भी नहीं है। HD 10 दिया है, 4K नहीं दिया, फिर भी यानी इसका वीडियो क्वालिटी आपको फिर दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे मूवी क्वालिटी हाई क्वालिटी कर लेते हैं, अभी वीडियो शूट करेंगे इससे। माइक्रोफोन, ऑटो सेंसिविटी, विंड नॉइस, रेडिएशन ऑन कर देते हैं यानी विंड नॉइस जो आएगी तो उसको कम करेगी। मैनुअल में मूवी सेटिंग कर देते हैं, ये हमेशा ऑन रखें यानी अपने हिसाब जैसे फ़ोटो। ये ऑटो वाला सिस्टम नहीं है मेरे पास, मैं हमेशा ऑटो को प्रेफर कभी नहीं करता हूँ सेटिंग्स में। फिर चलते हैं गाइस, अब अभी तो और कुछ भूल गया हो तो फिर देखते हैं। हाँ, ये सेटिंग आपको दिखाना ज़रूरी है, यहाँ पे रोटेट ऑल, जैसे कि इमेज रिव्यू, ये रोटेट ऑल, जैसे कि ये मैं फोटोग्राफ्स आपको दिख। वेदर कितना मस्त आ रहा है, और यहाँ पे देखिए चोंगा बज रहा है बैकग्राउंड नॉइस, तो थोड़ा उसको आप वो करिएगा। और यहाँ पे ये चलते हैं इसके, फिर वीडियोग्राफी और ये सब चीज़ करेंगे, फिर दिखाते हैं आपको। तो गाइस एक बार आप लेंस को जूम करिए कैसा होता है, यहाँ से लेंस जूम, जैसे कछुआ का मुंह नहीं निकलता है बस वही चीज है, वही चीज है, डरिएगा मत। अब एक बार थोड़ा आप लेंस खोल के दिखा दीजिए आप, ओके कैसे खुलता है प्रॉपर। आपको इस बटन को प्रेस करना पड़ता है और इसको ये यहाँ पे खुल गया है, और यहाँ ये मिरर होता है इसके अंदर, मिररलेस कैमरे में ये नहीं पाया जाता। यहाँ पे हमारे अतुल भाई प्रॉपर गाइडेंस के साथ, यहाँ पे इजीली इसी से दबा के फिट होता है, इसी से खुलता है। और ये जो वाइट मार्क होता है, तो वाइट से वाइट मिलाते, वाइट मार्क से वाइट मार्क मिलाते हैं अपन यहाँ पे, और ये इसको ऐसे राउंड अप करते हैं तो ये सेट हो जाता है। बहुत से बिगिनर्स रहते हैं तो उसके कारण थोड़ा लेंस, अगर इसको उल्टा आप कर देंगे तो इसकी जो अंदर की क्लिप्स होती है वो टूट जाती है, काफी खर्चे का सामने, पॉकेट पे जेब पे थोड़ा भारी पड़ जाएगा। सूट हो रहा है देख सकते हैं, चटी गाड़ी। इस ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है, और यहाँ पे माइक्रो SD कार्ड आता है इसका, यहाँ पे वन प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाता है, वन प्रेस में अंदर हो जाता है। और यहाँ पे बैटरी का इसका दिखेगा आपको, यहाँ पे बैटरी रहेगी, बैटरी ओपन होगी ऐसे, और यहाँ पे प्रेस, सब सिस्टम बढ़िया है इसका प्रेस का। इसको आप दबाइए थोड़ा, आप अपने दबाइए, हो गया। गाइस एज यू कैन सी यहाँ पे माइक, AV आउटपुट, यहाँ पे सब लिखा भी है, और यहाँ पे माइक अडाप्टर, ये सब ये लगता है यहाँ पे। यहाँ पे माइक के लिए वो भी बना है, सब अपना लोगो बना है कि कौन कहाँ पे अडाप्टर सब लगेगा। तो यही था गाइस ब्लॉग को प्रॉपर इसका रिव्यू प्लस फोटोग्राफी। मैं अपनी सेटिंग में अब जो फोटोज आपको अटैच करूँगा तो आपको वहाँ पे स्क्रीन शॉट कर दूंगा कि वो कौन सी सेटिंग में बनी थी, यानी कौन सी सेटिंग में फ़ोटो क्लिक की थी। और यहाँ पे फिर से चोंगा बज रहा है आज, तो यहाँ पे गाइस देखिए फोकसिंग इसकी दिखाते हैं आपको, ये मैं हाथ से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे 70-300 पूरा जूम हो गया है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है, और भी कैप्चर दिखाते जाओ। यहाँ पे बच्चे लोग आ रहे हैं, मस्त वीडियो बन रहा है। और यहाँ पे कुछ ट्रक धुल रही है अशोक लीलैंड के। यहाँ पे गाइस देखिए वीडियो क्वालिटी आपको दिख रही है, जूम फुल जूम है, ये 70-300 जूम लेंस है। यहाँ पे मैं गाइस हैंड से बना रहा हूँ वीडियो,
ये देखिए काफ़ी अच्छी वीडियो बन रही है, जैसे जैसे पास होता है ब्लर होता है। ये देखिए पूरा फुल जूम है, 70-300 लेंस का ये वीडियो है। गाइस ये ऑटो में टेस्ट कर रहे हैं एक बार सनसेट, ये देखिए कितना मस्त सनसेट हो रहा है यार। 70-300 जूम का लेंस है। क्लिक करो ना, क्लिक करो यार, फोटो क्लिक कर दो।